हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A59 5G डिवाइस को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है। अक्सर करके जब भी आप अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे तो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपने फ़ोन के प्रॉब्लम के हिसाब से अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, फ़ोन में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आता है, जब आदमी उसको नहीं सॉल्व कर पाता है तो अपने फ़ोन को रीसेट करता है। जब रीसेट करते हैं तो रीसेट करने की जो सेटिंग है वो भी अलग अलग है। फ़ोन में जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही रीसेट सेटिंग को भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से दोनों को मैनेज करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से अपने रीसेट वाले सेटिंग को यूज़ करेंगे तो जो आपकी डाटा है या जो आपका फ़ोटो वीडियो है वो डिलीट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के प्रॉब्लम को समझना है और इसके बाद अपने जो रीसेट की सेटिंग है उसको यूज़ करना है, जो आपका डाटा है बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं जो रीसेट की सेटिंग है कौन सी प्रॉब्लम के लिए है और कौन सा सेटिंग किस प्रॉब्लम में काम आता है या क्या किस प्रॉब्लम में उसको रीसेट करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे और इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट फ़ोन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो रीसेट का सेटिंग है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का प्रॉब्लम समझना है और इसके बाद यहाँ पर जो रीसेट की सेटिंग है उसको समझना है। यहाँ पे आपको मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। दोस्तों, अगर आपको अपने नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे सिम नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आपके फ़ोन में सिम नेटवर्क शो नहीं होता है या कम आता है या कोई और प्रॉब्लम आपके सिम नेटवर्क से है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट करना है। अगर आपके वाईफाई में भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है या ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम आता है या जो आपका हॉट स्पॉट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, ये भी नेटवर्क हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तब भी आपको नेटवर्क सेटिंग पे आके रीसेट करना है। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पैटर्न पिन फिंगर कोई भी लॉक लगा है तो आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, जो आपका नेटवर्क है वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ से आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका जो नेटवर्क है वो सही से काम करने लग जाएगा। तो यहाँ से आप अपने नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग। दोस्तों, अगर आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप अपने फ़ोन में कोई गलत सेटिंग ऑन कर लेते हैं या कोई सेटिंग ऑन करके आप भूल जाते हैं और अपने सेटिंग को सही नहीं कर पाते, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रीसेट करना है, जो आपका सेटिंग है बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा हो जाएगा। जैसे आप नया फ़ोन लाए थे बिल्कुल उसी तरह से आपका जो सेटिंग है हो जाएगा और आप फिर से कोई सेटिंग को ऑन ऑफ करना चाहेंगे कर पाएंगे, लेकिन जो आपका सेटिंग है बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा हो जाएगा। लेकिन आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, आपके फ़ोन से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका जो सेटिंग है बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अगर सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है और इसके बाद जो आपका सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, लेकिन जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, आपके फ़ोन से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन हैंग करता है या आपके जो मेमोरी है वो फुल हो चुका है या आप मेमोरी में वायरस है या आपकी मेमोरी खाली नहीं होता या आप अपने फ़ोन को पूरी तरह से खाली करना चाहते हैं, ऐसे टाइम में आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है और इसके बाद जो आपका फ़ोन है रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपका फ़ोटो वीडियो आईडी है सब कुछ आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, आपके फ़ोन में कुछ नहीं बचेगा, जो आपका फ़ोन है बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।